रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्राइम मिनिस्टर साहिबा, अमन तो हमारा मुल्क भी चाहता है, पर आपकी ट्रीटी की पहली शर्त है कि आवर कंट्री शुड स्टॉप स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। प्रॉब्लम क्या है सर? तानिया जी, जब हमारी कंट्री में टेररिस्ट कैंप्स हैं ही नहीं, तो फिर टेररिस्ट को हैंडओवर करने का सवाल ही कहां से उठता है। प्लीज वेलकम असगर बशीर करीम दाऊद। कौन है ये? ये टेररिस्ट है सर, आप ही की कंट्री से। कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे वर्ल्ड मीडिया के सामने आपको आपकी इस रीजन वापस कर रहे हैं। व्हाट? अब क्या करें, कैसे निकले ऐसे? आप अमन के मसीहा बन रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार एक साथ सभी पड़ोसी देशों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। You know, loving is so short and forgetting is so long. Pablo Neruda. चलो तो फिर से अजनबी बन जाते हम दोनों, साहिल लुधियानवी। तुम मेरी लाइफ से नहीं जा सकते, do you get it? नहीं, हम कुछ हैं कि नहीं? कोई हम नहीं है, कुछ हम नहीं है। It's all over, Ricky. What do you mean it's all over? And क्यों? I need an explanation for it. Tell me. तुमने मेरे पापा का रिएक्शन देखा था ना उस दिन? तो मेरे पापा रिश्ते के लिए कभी हानि करेंगे? अगर रियाज इफ इज योर डैड, I'm sure in case you make him understand. मगर मगर की बात ही नहीं है। मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, मैं उनके लिए अपना प्यार सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। एंड मैं क्या करूं? What do I do? आंख बंद करो तो मैं भूल जाऊं। That's what you want me to do. रिकी, मेरी बात मानो तो यही ठीक है। अलविदा। मिजू, हमेशा के लिए। प्लीज। Andreas broke up with me. उसके डैड को तेरे से क्या प्रॉब्लम था? उसके डैड को बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम है। टाटा मैं गाय। वो अपने बेटे का गे रिलेशनशिप कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, टैंस, नेवर। लेकिन क्यों? क्योंकि अपेरेंटली इस देश में बीइंग गे इज अ क्राइम। रियली? लेकिन क्यों? क्यों क्यों क्यों? तुम्हें सेक्शन 377 के बारे में कुछ नहीं पता? Jesus, तुम्हें पीएम किसने बनाया? अशोक जी, आपने बुलाया? जी अशोक जी, सेक्शन 377 क्या होता है? अब आईपीसी धारा 377 की बात कर रही? जी मैडम, आईपीसी धारा 377 के अनुसार कोई भी अननेचुरल करता है तो उसके लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा होती है, और दिस इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। अननेचुरल? बट उन्हें कैसे पता है अननेचुरल क्या होता है? मदर नेचर ने उन्हें बताया? एनिमल्स ने तो बताया नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स में होमोसेक्सुअल टेंडेंसीज होती हैं। अशोक जी, आई थिंक हमें ये लॉ चेंज करना पड़ेगा। मैं? कम से कम हमारे संस्कृति का तो ध्यान रखिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर अशोक जी, बट अकॉर्डिंग टू गूगल, होमोसेक्सुअलिटी तो हमेशा से ही हमारे संस्कृति की अपार्ट थी। तभी तो खजुराहो जैसे कई साइट्स में अभी भी होमोसेक्सुअल पोजीशंस डिपिक्टेड हैं। देखिए, लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि सेक्शन 377 हम कैसे बदल सकते हैं? मैम, लॉ चेंज करने के लिए पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। लॉ चेंज करने के लिए पैसे देने पड़ते? मैडम, लॉ चेंज करने के डॉक्यूमेंट को पार्लियामेंट में बिल कहते। ये डॉक्यूमेंट पहले पढ़ा जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, उसके बाद वोटिंग होगी, और इसके बाद अगर मैच्योरिटी ऑफ वोट पढ़ेंगे तब ये बिल लॉ बन जाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। ग्रेट, साउंड्स लाइक अ प्लान। चेंज इज कमिंग, फीलिंग डिटरमिनेंट। बनकर हम नेता हैं, विधायक हैं, वे एमपीस, और अगर ये कानून कोई बदल सकता है ना,
तो हम लोग हैं। सिर्फ कानूनी नहीं, लोगों का नजरिया भी बदलना है। देख, आसान तो नहीं होगा, मुश्किल होगा, इनफैक्ट बहुत मुश्किल होगा, मगर तेरे भाई में भी दम है, और तेरा भाई किससे कम है। सचिन, सालों की लड़ाई जा सकती है इसमें, किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना, तो हम क्यों नहीं। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था कि मैं आज ही प्रधानमंत्री से जाके इस बारे में बात करता हूँ। तानिया ठाकुर से, दैट डम चिक। रियाज, तूने देखा है ना उसने वो टेररिज्म वाला केस कैसे हैंडल किया था। फॉर ऑल यू नो, वो इसमें भी हमारी मदद कर दे। वेरी गुड, मतलब ऑपोजिशन और सरकार की एक और मिली भगत होने वाली है। क्या बात है सचिन मियां। कैबिनेट गुड लुकिंग होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो वो फास्ट डिसीजंस लेंगे, फास्ट डिसीजंस लेंगे तो वो पॉपुलर होंगे, पॉपुलर होंगे तो वो फिर से इलेक्ट होंगे। 2, 3, 4, 5, 6 keep marching, 3, 4 and circle, circle and turn it around and turn it the other way, turn. Madam Prime Minister, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी अच्छी PM साबित होंगी। What? Like it's hard? क्या माफ किया? तानिया जी, एक्चुअली मैं आपसे कुछ काम की बात करना चाहता था। Let me guess, Ricky और रियाज के बारे में, right? आप जानती हैं? Of course, Ricky मेरा BFF है, I know everything. और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आज भी हमारे देश में एक सदियों पुराना कानून लागू है। Exactly. Not only is he adorbs, but he totally gets me. मैं एक्चुअली तानिया ठाकुर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, unbelievable. You know, अगर हम outdated fashion को overthrow कर सकते, तो outdated laws को क्यों नहीं, है ना? बिल्कुल. I'm quite glad that we're on the same page. When will we get on the same bed? Bill. मैं सोच रहा था कि हमें बिल पार्लियामेंट में जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। I completely agree. In fact, मैंने तो स्लोगन भी सोच लिया है। कौन सा लॉ सबसे बदतर? 377. 377. Yeah, that's cute. I mean, good. But ये बिल टेबल करने से पहले आपको उससे भी बड़ा काम करना पड़ेगा, अपनी दादी को कन्विंस करना होगा। Oh, don't worry, मैं उनसे आज ही बात करती हूँ। What nonsense, तानिया? अशोक जी कह रहे थे कि तुम धारा 377 रद्द करना चाहती हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? Please, Dad. This law, it's just like bell bottoms. Outdated, bakwas, aur ass pe bahut tight. According to Google, ye law 1860 mein bana tha. I'm pretty sure tabhi aap bhi nahi paida hue the. Homosexuality ek mansik bimari hai. Tumhare dost ko ilaaj ki zarurat hai. Ilaaj? As in like treatment? Yes, treatment. Oh, Nani, you're so naive. कोई भी इलाज किसी को गे से स्ट्रेट नहीं बना सकता है, trust me. मेरे बहुत सारे डिजाइनर फ्रेंड्स हैं जो गे हैं. In fact, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ. आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे. और मैं तुम्हें मिलवाऊंगी स्वामी धर्मदास से, प्रसिद्ध योग गुरु. उनका दावा है कि वो ये बीमारी दूर कर सकते हैं. दादी, what are you smoking? FYI, homosexuality के बाद मैं marijuana को भी legalize करवाने वाली हूँ. देश में इतने सारे problems हैं और तुम ये सब बातें सोच रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें. मैं आज ही स्वामी जी को बुलाऊंगी और अगर उन्होंने तुम्हारे दोस्त को ठीक कर दिया तो तुम्हें ये बेहुदा बिल भूल जाना पड़ेगा.
और अगर स्वामी जी हार गए तो आपको मुझे परमिशन देना पड़ेगा ये बिल पार्लियामेंट तक लाने के लिए। स्वामी जी कभी हार नहीं सकते। तो मेरी तरफ से भी हैशटैग चैलेंज एक्सेप्टेड। रोगियों, चिंता का कोई विषय नहीं है। समलैंगिकता एक मानसिक रोग है जिसे ठीक किया जा सकता है। वैसे हमारा 7 दिन का कोर्स है होमो से हेट्रो विदिन 7 डेज। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि आप 7 दिन में इनका ओरिएंटेशन बदल देंगे? हाँ, क्योंकि सब कुछ यहां पर है, बुद्धि। जब हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं तो हमारे शरीर में बदलाव आते हैं, हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हमें पसीना आता है और इन्हीं यंत्रों से हम इनके लक्षणों की जांच करेंगे। Really? आप ट्राई करना चाहेंगे तानिया जी? Of course. ये मेरा टाइप का नहीं है। Yeah. तो आपका क्या टाइप है तानिया जी? Wow, this really works, huh? सचिन, आप ट्राई कीजिए ना। हाँ हाँ, कर ले कर ले। OMG, ये तो मेडिकल टिंडर है। स्वामी जी, मैं भी ट्राई करूं? अब आप उनकी तरफ देखिए जो आपको आकर्षित करते हैं। देख ही तो रही हूं। या अब सनी लियोनी की तस्वीर लगाएं। यही है समलिंगता की निशानी। इन लोगों को औरतों में दिलचस्पी नहीं है। इनका इलाज तो मैं आज से शुरू करता हूं। नहीं वत्स, ये सात्विक भोजन है। स्वामी जी, 7 दिन पूरे हो गए हैं। मुझे यकीन है कि आपने इन 2 बालकों को ठीक कर दिया होगा। अवश्य, और अब हम फिर से नियंत्रणों का उपयोग करेंगे। पर्दे पर कन्या की जी तस्वीर को प्रकाशित कीजिए। सनी लियोनी। वाओ मैन, डिड यू लुक एट दैट? सो कूल। सो लुक एट दैट, आई लव दैट हेयर कलर यार। ये सब क्या हो रहा है स्वामी जी? मुझे लग रहा कि यंत्र में कहीं दुविधा आ गई है, मैं अभी देखता हूँ। स्वामी जी, आप ट्राई क्यों नहीं करते हैं? तब तो पक्का पता चल जाएगा। हाँ हाँ, पंडित जी, गो अहेड, गिव इट अ ट्राई, कम ऑन, शरीफ द शरीफ, ट्राई इट, ट्राई इट। यू बीन मेकिंग अस ट्राई सिंस दिस। स्वामी जी, यंत्र नहीं चल रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब स्वामी जी? खामोखा के मैंने आप पर भरोसा किया। निकल जाइए यहां से, जाइए। ओ नमस्ते, नमस्ते। ओ दादी, सेक्सुअलिटी थोड़ी ना कोई हेयर स्टाइल है कि बस बालों पे हॉट आयरन लगा दिया और तेरे से स्ट्रेट हो गए। इट्स लाइक आवर फैशन सेंस, वी बर्न विद इट। आई एम सॉरी दादी, लेकिन आपके चैलेंज हार गई। तो आपको मुझे परमिशन देना ही पड़ेगा ये बिल पार्लियामेंट तक लाने के लिए। मैं मानती हूं मैं हार गई और तुम जीत गई। परमिशन ग्रांटेड। No? Okay.
आप लोगों को क्या लगता है कि मैं तानिया की इस बचकाने हरकत के लिए सपोर्ट दूंगी? बिल्कुल नहीं। आप लोग समझे नहीं? मैं बताती हूँ, एक तीर में दो निशाने, पहले तानिया फिर सचिन, दोनों ढेर। उसके बाद आप सब दोबारा मुझे ही प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे ना? हाँ, मैं तो रोंगटे खड़े हुए। तान्या ठाकुर एक बार फिर निकल पड़ी है इस देश की हवा बदलने, लेकिन इस बार उन्होंने एक संगीन मुद्दा अपने हाथ में ले लिया, धारा 377 को मिटाने का। लेकिन हैरत की बात यह है कि रूलिंग पार्टी की जगह अपोजिशन पार्टी उनका सपोर्ट कर रही है। यह अपोजिशन पार्टी की चाल है रूलिंग पार्टी को गिराने की, या तान्या ठाकुर शांति समझौते की तरह इसमें भी हो जाएगी सफल? मैडम स्पीकर, अंग्रेजों को भारत छोड़े हुए 70 साल हो गए, मगर आज भी उनके कुछ ऐसे दख्यानुसी कानून हैं जो हमारे साथ हैं। ऐसा ये कानून है धारा 377 जो मैं आपकी नजरों में लाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री की सहमति के साथ इस सभा में मैं ये बिल प्रस्तुत करना चाहूंगा जो कि समलैंगिकता को डीक्रिमिनलाइज करते हैं। क्या सचिन जी को ये बिल इंट्रोड्यूस करना चाहिए? जो उनके साथ हैं वो कहें आए आए। क्या कर रही हैं आप? और जो खिलाफ हैं वो बोले नो।